Hello friends, I'm Adinath Gini from Agiris Tech Hub Pune. Welcome in a session of a sublet interview question series. Our friends, in this session, we have a question. What do you mean by a scope of object and what are its type? What do you mean by scope of object? And what are its type? And what are its type? What do you mean by a scope of object and what are its type? We can say scope of objects help to share the information among web components using it. Set attribute and get attribute methods and get attributes method. स्कोप का मतलब क्या होता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट का लाइफ इतना रहेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका पूरे वेब एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा शेयर करता है, जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, या तो सेट एट्रीब्यूट या गेट एट्रीब्यूट्स के जरिए हम उसे स्कोप कहते हैं, राइट right. So we have some types of a scope in a servlets, type of a scope in a web applications, types of a scope in a web application. First of all, application scope, या आप उसे context कहें. Second होता है, ये होता है session scope होता है. Then third is a request scope, and fourth is a page scope. ये चार important type of scope है. राइट right. मतलब अगर आप एप्लीकेशन स्कोप की बात करते हैं तो आपका डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका सर्वर रनिंग हो. राइट, एप्लीकेशन स्कोप और कॉन्टेक्स्ट स्कोप स्टोर डेटा व्हेनेवर सर्वर इज इन रनिंग स्टेज एंड शेयर इंफॉर्मेशन कॉमन बिटवीन All clients in web applications. इसका मतलब क्या है? अगर हम application scope की बात करते हैं, तो जब भी हम application scope की बात करेंगे, तो आपका data तब तक server पे रहेगा, जब तक आपका server start रहे, running में है, right? जब भी आपका server restart हो या stop हो, तभी आपका data vanish किया जाता है. और जो भी आपकी information है, ये information आपके सभी client के बीच में common रहती है. अभी सेशन की अगर हम बात करते हैं, सेशन लेवल स्कोप स्टोर द डेटा व्हेनेवर ब्राउजर इज रनिंग और क्लाइंट इज रनिंग, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेशन लेवल स्कोप तब तक ही डेटा होल्ड कर सकता है जब तक आपका ब्राउजर रनिंग है, जब तक आपका क्लाइंट रनिंग है. एंड मेंटेन द डेटा यूनिक फॉर एवरी क्लाइंट, हर एक क्लाइंट के लिए जो भी डेटा है ये अलग से मेंटेन करता है, सेपरेट से मेंटेन करता है. रिक्वेस्ट स्कोप स्टोर द डेटा, राइट, व्हेनेवर स्टोर द डेटा फॉर अ सिंगल रिक्वेस्ट, राइट. व्हेन वी सेंड अ न्यू रिक्वेस्ट देन प्रीवियस डेटा मे बी लॉस. जैसे हमने एक बार फॉर्म सबमिट किया तो एक रिक्वेस्ट हो गई, दोबारा अगर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो पहले रिक्वेस्टेड डेटा आपका वैनिश होता है, जो आप नया डेटा फॉर्म के जरिए भेजते हैं ये डेटा ही आपका वहां पे परसिस्ट करता है, स्टोर रहता है. और पेज लेवल स्कोप का मतलब होता है दिस इज द राइट स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू द पेज, मतलब जब तक आपका पेज है तब तक ये डेटा रहेगा, जब आप पेज स्विच करेंगे तो आपका नया ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट करता है, नया पेज आ जाएगा तो स्कोप खत्म हो जाता है. These are the some types of scope is there. Okay, thank you.